खतरों के खिलाड़ी 9th सीजन हो रहा है हिट और ये हो रहा है आप और हमारे जैसे फैंस की वजह से। खतरों के खिलाड़ी हम और आप तो देखते ही है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि खतरों के खिलाड़ी शो का जो नेम है ये नेम कैसे आया, कहां से आया या फिर क्यों रखा गया। चलिए मेरे साथ रहिए लाइव में, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। खतरों के खिलाड़ी जो नाम है, इस नाम के पीछे जो अर्थ है या फिर जो हिस्ट्री है, ये जानने के लिए हमें 13 साल पीछे जाना होगा, यानी 13 ईयर्स। जब आया था खतरों के खिलाड़ी का पहला सीजन, तब ये दूसरे नाम से था। खतरों के खिलाड़ी पहले शुरू हुआ था 2003 साल में और ये एंडेमोल यूके का ब्रेन चाइल्ड है। मेन शो का नाम है फियर फैक्टर, जो कि पूरे दुनिया भर बहुत सारे फ्रेंचाइजी से चलाया जाता है। इंडिया में जब आया 2006 साल में, तब ये फियर फैक्टर इंडिया के नाम से यहाँ पर प्रसारित होने लगा। कुआलालंपुर पे हुआ था पहला सीजन का शूटिंग और इस सीजन का होस्ट थे मुकुल देव, जो कि एक जाने माने टीवी और फिल्म एक्टर है। ये शो पहले दिखाया जाता था सोनी टीवी पर और इस शो का प्रोडक्शन का जिम्मा था एंडेमोल इंडिया के ऊपर। लेकिन पहला सीजन चलने के बाद ही टीम को ये लग रहा था कि ये शो इंडिया में हिट नहीं हो सकता है और शो का पहला सीजन भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो इसलिए एंडेमोल इंडिया ने क्या किया, ये शो बंद करने का फैसला लिया इंडिया के लिए। लेकिन एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को दोबारा चलाकर देखना चाहिए था, इसलिए एंडेमोल इंडिया ने शो का प्रोडक्शन स्पेयर ओरिजिन को दे दिया और उसे कहा लो भाई अभी तुम चलाओ। लेकिन अभी फियर फैक्टर नाम कोई यूज नहीं करना चाहता था, वो लोग चाहते थे कि दूसरा कोई नाम यूज किया जाए। शो का होस्ट कौन होगा, बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद अक्षय कुमार को शो का होस्ट चुना गया। अक्षय कुमार को बॉलीवुड में सब लोग खिलाड़ी के नाम से पहचानते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब खतरों के खिलाड़ी के टीम के दिमाग में आया कि खिलाड़ी नाम इस शो के लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ में ये शो ही है खतरों वाला काम। अभी फियर फैक्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर खिलाड़ी लिखा जाए तो डरने का खिलाड़ी, ऐसा डरने वाला खिलाड़ी, ऐसा आ जाएगा नाम। तो उन लोगों ने खतरों के साथ अक्षय कुमार जी के बॉलीवुड अपीयरेंस को यूज करते हुए खतरों के खिलाड़ी नाम रख दिया था। लेकिन खिलाड़ी अक्षय कुमार जी का फैन नेम है, इनके साथ कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है कि पहले का सीजन अक्षय कुमार ये शो कर रहे थे तो अभी उनका नाम देना नहीं बनता है, इसका कोई बात नहीं है क्योंकि खिलाड़ी नाम आया है नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए खतरों का खिलाड़ी पहला जब सीजन आया तब आया था सोनी टीवी पर और वो सीजन ठीक ठाक चल गया। तो इसके बाद एंडेमोल ने राइट्स वापस अपने हाथ ले लिया। इन बीच में भायकॉम 18 यानी कलर्स के साथ एंडेमोल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो ये शो सोनी से कलर्स पे लाया गया। नाम के साथ साथ अक्षय कुमार भी शो का फेस बन चुके थे, इसलिए सीजन 2 भी अक्षय कुमार को ही लाया गया था होस्ट करने के लिए और अभी कलर्स में ही चल रहा है खतरों के खिलाड़ी, जो आप और हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सब क्या आपको पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इंतजार रहेगा आपका कमेंट का।